आप सबका एक बार फिर से स्वागत है चिपटेक फाइबर नेटवर्क में। मैं हूं कोमल साहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीएम वाणी के बारे में। पीएम वाणी के बारे में बहुत सारे लोगों को डाउट है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे लोग फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। पीएम वाणी के नाम पे बहुत सारे लोगों को लूटा जा रहा है। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिनका कॉल आ रहा है, कमेंट आ रहा है कि हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो आज क्लियर करेंगे। और पीएम वाणी के नाम पे बहुत सारे फ्रॉड लोग भी है जो पीएम वाणी के नाम से दूसरे प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, सर्विस नहीं दे रहे हैं या फिर पैसा लेने के बाद कॉल नहीं उठाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और इसके लिए किसी भी तरह की फ्रेंचाइजी वगैरह नहीं होता है। तो आज के वीडियो में हम बताएंगे कि आप इन फर्जी लोगों से कैसे बच सकते हैं, आपको कहाँ मिलना है, आपको कहाँ जाके पीडीओ बनना है, कहाँ से पीडीओ रजिस्ट्रेशन करवाना है, ये सब चीज हम आपको आज के वीडियो में बताने वाले हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि पीडीओ क्या होता है, यह योजना कब से चल रही है, पीडीओ कैसे बने, पीडीओ बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीडीओ का प्लान कैसा होता है, पीडीओ में स्पीड कैसा होता है, एक्सेस पॉइंट का रेंज कितना होता है, रजिस्ट्रेशन के लिए हम कहाँ जाकर संपर्क करें, इसके लिए वेबसाइट कौन सा है या ऑफिस कौन सा है, एक्सेस पॉइंट लगाने के लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा, वीडियो के लिए क्या क्या डिवाइसेस लगते हैं, जो मिलता कहाँ से है, एक्सेस पॉइंट को कहाँ कहाँ पर लगा सकते हैं, इसमें कस्टमर को स्पीड कितना मिलता है, इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस, इन सब के अलावा वीडियो में और भी बहुत सारी बातें हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और जानिए पीएम वाणी के बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी कहानी, पूरी सच्चाई। तो दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर आप पीएम वाणी के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे बने रहें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पीडीओ आखिर है क्या चीज। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, पीडीओ क्या है। पीडीओ का पूरा नाम पब्लिक डेटा ऑफिस होता है। यह एक्सेस पॉइंट के माध्यम से वाईफाई सेवा प्रदान करता है, जिससे सब्सक्राइबर कनेक्ट होकर पीएम वाणी का डेटा एक्सेस कर सकता है। उसके लिए कस्टमर को डेटा वाइज नॉमिनल सा चार्ज देना होता है, जैसे 9 रुपए, 19 रुपए, 39 रुपए, 69 रुपए, 69 रुपए, इस टाइप का प्लान होता है। प्लान को पूरा समझने के लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आप उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। पीडीओ नया प्रोजेक्ट नहीं है, पीडीओ की शुरुआत 9 दिसंबर 2020 को ही हो गया था। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में हुई थी। इसको सार्वजनिक जगहों पर लगाकर अच्छा खासा बिजनेस किया जा सकता है। इसको इंटरनेट बूथ की तरह भी जाना जाता है। जैसे पहले कॉलिंग के लिए हम लोग टेलीफोन बूथ का यूज करते थे, आज के जमाने में हम लोग वाईफाई बूथ का यूज करते हैं, जिसको पीडीओ बोलते हैं, पब्लिक डेटा ऑफिस। अब बात करते हैं पीडीओ कौन बन सकता है। पीडीओ कोई भी आम आदमी बन सकता है, चाहे वह दुकानदार हो, किराने का दुकान हो, सब्जी का दुकान हो, चाय का दुकान हो या फिर कोई भी सीसीटीवी जो चॉइस सेंटर चलाता है, पीडीओ बन सकता है। या अपने घर में भी लगा के आसपास के लोगों को वाईफाई सेवा प्रदान कर सकता है। अब बात करेंगे पीडीओ इंस्टॉलेशन के लिए आवश्यक चीजें क्या क्या है। दोस्तों, चूंकि पीएम वाणी प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इसीलिए आपके पास बीएसएनएल फाइबर का होना बहुत ही जरूरी है। बीएसएनएल फाइबर जिसकी स्पीड आपके पास कम से कम 100 Mbps तक की होनी चाहिए, तभी आप बीएसएनएल पीडीओ का काम करके आसानी से इनकम ले सकते हैं। अब बात करेंगे इंस्टॉलेशन में कितना खर्चा आता है। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि इन सब के लिए आपको दो चीजें होनी चाहिए, एक तो FTTH और दूसरा एक्सेस पॉइंट। तो FTTH का कनेक्शन आप जब BSNL से लेते हैं तो आपको अपने एरिया के हिसाब से पेमेंट करना होता है। जैसे कुछ जगहों पे 3500 रुपये होता है, कहीं पे 5000 रुपये होता है, तो उस हिसाब से आपको FTTH के लिए पे करना होता है। दूसरा जो होता है, आपको एक्सेस पॉइंट लगाना है। तो एक्सेस पॉइंट जो है वो मार्केट में 4000 रुपये से लेके 20000 25000 तक का आता है। डिस्टेंस और क्वालिटी के हिसाब से उसका प्राइस होता है। एक्सेस पॉइंट वही खरीदना है जो बीएसएनएल के साथ काम करता है। सभी एक्सेस पॉइंट जो है वो बीएसएनएल के साथ काम नहीं करता है। तो आप
एक्सेस पॉइंट खरीदने से पहले ये कंफर्म कर ले कि ये प्रोडक्ट बीएसएनएल के साथ काम करेगा या नहीं। तो कुल मिलाकर आपको एफटीटीएच और एक्सेस पॉइंट का ही पेमेंट देना है। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी पेमेंट नहीं लगता है, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ही फ्री होता है। आप एक्सेस पॉइंट को ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या अमेजन से मंगवा सकते हैं, वहाँ बहुत सारे वैरायटी और कंपनी के एक्सेस पॉइंट मिल जाएंगे। पीडीओ के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है, इसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है या नहीं, ये आपको वीडियो में आगे बताएंगे, आप वीडियो में बने रहिए। अभी हम बात करेंगे पीडीओ रिचार्ज प्लान के बारे में। यहाँ पर रिचार्ज दो तरीके से होता है, एक पीडीओ के लिए रिचार्ज होता है जिसे हम एफटीटीएच में रिचार्ज करवाते हैं जिनसे हमें इंटरनेट मिलता है। यहाँ पर हमारे पास बीएसएनएल फाइबर में पीडीओ के लिए दो प्लान उपलब्ध है, पहला पीडीओ बेसिक और दूसरा पीडीओ प्रीमियम। पीडीओ बेसिक की वैल्यू 499 रुपये है जिसमें जीएसटी अलग से लगता है और इसमें आपको 50 Mbps का स्पीड मिलता है। वहीं पीडीओ प्रीमियम आपको 99 रुपये का मिलता है जिसमें आपको 100 Mbps का स्पीड आता है। तो आप जितना स्पीड अपने कस्टमर को देना चाहते हैं उतने का प्लान आपको अपने पीडीओ के लिए सेलेक्ट करना होगा। बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड के लिए हमने आपको बताया कि पीडीओ के दो प्लान हैं, 100 Mbps 100 Mbps के। तो स्पीड आपको प्लान के हिसाब से मिलेगा और एक्सेस पॉइंट के जितने नज़दीक होंगे उतना आपको पूरा पूरा स्पीड मिलेगा, जितना दूर जाते जाएंगे स्पीड कम होता जाएगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, 100 Mbps का स्पीड और 50 Mbps का स्पीड। अब आगे बात करेंगे एक्सेस पॉइंट के एरिया के बारे में। तो एक्सेस पॉइंट जो है वो 360 डिग्री में काम करता है, जहाँ पर भी आप एक्सेस पॉइंट लगाएंगे वो आपको एरिया के चारों तरफ कवर करेगा। अब बात करेंगे हमारा एक्सेस पॉइंट कितना दूर कितना डिस्टेंस कवर करता है। एक्सेस पॉइंट जो है वो 100 मीटर 200 मीटर 500 मीटर के रेंज पे आते हैं, 1 किलोमीटर का भी आता है, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। 200 और 500 तक का आप एक्सेस पॉइंट लगा सकते हैं। इसके लिए आप जो एक्सेस पॉइंट डिवाइस लेंगे उसके हिसाब से इसकी डिस्टेंस होती है। जैसे मैंने जो लगाया है वो 200 मीटर की है, वो 100 मीटर 150 मीटर तक अच्छे से काम करता है। आप चाहे तो 500 मीटर वाला या 100 मीटर वाला 200 मीटर वाला सभी टाइप के रेंज मार्केट में अवेलेबल है, तो कोई सा भी ले सकते हैं। आप जहाँ पे एक्सेस पॉइंट लगाते हैं, जैसे मैंने 200 मीटर वाला एक्सेस पॉइंट लगाया है, तो वो डिवाइस जहाँ पे लगा है उसका एक गोल सर्कल बनता है, वो इस तरफ भी 200 मीटर काम करेगा और इस तरफ भी 200 मीटर काम करेगा। इस तरह वो चारों एरिया में 200 मीटर तक कवरेज देगा। मतलब आप एक एक्सेस पॉइंट 200 मीटर रेंज का लगा के 400 मीटर को कवर कर सकते हैं। उसी तरह 500 वाला लगाएंगे तो 1 किलोमीटर कवर हो जाएगा दोनों तरफ मिला के। अब बात करेंगे हम कमीशन के बारे में, जिसका सवाल सबसे ज़्यादा मेरे पास आया है कि हम पीडीओ बनेंगे तो हमें कितना कमीशन मिलेगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग कमीशन होता है, जिस हिसाब से आपका एग्रीमेंट बेचने के साथ होता है उस हिसाब से आपको कमीशन मिलता है। जैसे किसी किसी स्टेट में 30% है, किसी में 40% है, कहीं कहीं पर तो 50% भी मिलता है। इसका मतलब यह है कि जैसे आपको 50% कमीशन मिलता है, तो आप अगर कस्टमर आपका 9 रुपये वाला रिचार्ज कराता है तो सीधा सीधा आपको 4.5 रुपये का कमीशन हो जाता है। कस्टमर अगर ऑनलाइन रिचार्ज भी करता है तो उसका कमीशन आपके वॉलेट में डाल दिया जाता है, जो रजिस्ट्रेशन के दौरान आपका वॉलेट क्रिएट होता है वो उसमें आपको उसका कमीशन सीधे आ जाता है। जब आप अपने वॉलेट में बैलेंस डलवाते हैं, अगर आपका कमीशन 50% है, तो जैसे मैंने 500 का बैलेंस डलवाया तो मुझे तुरंत ही 750 रुपये मिल जाता है। अब बात करेंगे हम पीडीओ के सेटअप को कहाँ पर लगाते हैं। तो पीडीओ के सेटअप को पब्लिक प्लेस में लगाना है, जहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है, लोगों की भीड़ होती है, जैसे कॉलेज है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉप है, हॉस्पिटल्स है, ऐसे जगहों पर आप पीडीओ को लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। आप अपने घर पर भी लगाकर अपने आसपास के लोगों को इंटरनेट की सुविधा दे सकते हैं। अब बात करेंगे हम पीएम वाणी में पीडीओ बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर, पीडीओ बनने के लिए कहाँ संपर्क करें। दोस्तों पीडीओ बनने के लिए आपको दो जगहों पर संपर्क करना होता है। पहला ऑप्शन है आपके पास ऑनलाइन, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, www.pmwani.c.in पर जाके वहाँ पर आप पीडीओ वाले कॉलम पर जाकर इंक्वायरी ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है डायरेक्ट बीएसएनएल ऑफिस जाकर,
वहाँ के अधिकारियों से संपर्क करें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी BSNL ऑफिस से लें। PDO बनने के लिए आपको किसी भी प्रकार की लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है, इसके लिए किसी भी प्रकार का लाइसेंस नहीं बनता है। अगर आप चाहें तो एक्सेस पॉइंट को BSNL ऑफिस से भी परचेस कर सकते हैं। BSNL ऑफिस में उनके साथ टाई अप वाले बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो आप परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि PDO बनने के लिए कहाँ मिलना है, किन से संपर्क करना है, कहाँ से आपको PDO के डिवाइसेस खरीदने हैं। तो आप PDO बनने के लिए सबसे अच्छा आपके पास ऑप्शन है, आप अपने नज़दीकी BSNL ऑफिस में जाइए और वहाँ से पूरी जानकारी लीजिए और फ्रॉड होने से बचिए। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो PDO के नाम पे किसी और प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और उसका सर्विस भी ठीक से नहीं देते हैं। वो आपसे पैसे की डिमांड करते हैं, आप उन सब लोगों के चक्कर में ना रहें और सीधे BSNL ऑफिस जाकर PDO बने। तो दोस्तों, आज की जानकारी कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। फ्रॉड लोगों से बचें, BSNL ऑफिस में जाकर संपर्क करें। धन्यवाद दोस्तों।